नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया और इस बंटवारे के साथ शुरू हो गया है नया विवाद। विवाद यह है कि मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है और मेवालाल चौधरी पर कई आरोप रहे हैं। असिस्टेंट भर्ती घोटाले का एक मामला है जिसको लेकर आरोप रहा है और आज सुशील कुमार मोदी का एक बयान बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब टहल रहा है। कभी उन्होंने मेवालाल चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग की थी, जिसको सुशील मोदी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे उनको नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बना दिया है। तो सवाल बड़ा है और इसको लेकर नीतीश कुमार के जो सियासी दुश्मन हैं वो उन पर हमलावर हैं। दरअसल मामला है 2011 का एक मामला है जिसमें प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से बकायदा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू हुआ था और रिटायर जस्टिस महफूज आलम ने बहाली में हुई गड़बड़ियों की जांच कराई थी। 63 पन्ने की जांच रिपोर्ट थी और उस जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी और कुल मिलाकर ये मामला है। इस तरह की गड़बड़ी सामने आई थी। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय को नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वविद्यालय का दर्जा दिया तो मेवालाल चौधरी को पहला कुलपति बनाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसे और नज़दीकी माने जाते हैं मेवालाल चौधरी और जाहिर है तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको ये बड़ी जिम्मेवारी दी थी। और लेकिन ये मामला सामने आया राज्यपाल से कुलाधिपति के आदेश पर थाना सबौर में 35/17 नंबर की FIR दर्ज की गई और ये आरोप भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 15 से 20 लाख की बोली लगी थी। तो बहुत गंभीर आरोप रहे हैं और बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी एक वक्त में मेवालाल चौधरी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और आज जब उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, कैबिनेट का बंटवारा हुआ है और ये खबर आ गई है कि मेवालाल चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं तो सवाल कई हैं और सवाल लगातार उठ रहे हैं। नीतीश कुमार की जो छवि है उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि आप तेजस्वी यादव पर आरोप लगते हैं तो आप तेजस्वी यादव को सफाई देने के लिए कहते हैं। आप अपनी पहली कैबिनेट में 2005 में जब सरकार बनी, किसी मंत्री पर कुछ आरोप लगा तो आपने उनको रातों रात मंत्री पद से हटा दिया। क्या कार्रवाई करेंगे मेवालाल चौधरी पर जब इस तरह की बात सामने आ रही है? तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कार्रवाई होती है नहीं होती है। शिक्षा मंत्री हैं बिहार के मेवालाल चौधरी और नीतीश कुमार के खासे करीबी माने जाते हैं। कैबिनेट का बंटवारा हुआ है और आज जब विभागों का ऐलान हुआ है, लेकिन ये मामला जरूर है कि मेवालाल चौधरी की वजह से बिहार की राजनीति गर्म है और नीतीश के राजनीतिक विरोधियों को सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है उन पर हमला करने का, निशाना साधने का, सरकार को घेरने का। और जाहिर है जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो उसमें यह मुद्दा भी हावी रहेगा। विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।